अस्सलाम वालेकुम हिजाबीज़, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी। एक न्यू अपॉर्चुनिटी बेसिकली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है वो ऑनलाइन काम करें। ठीक है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, हर कोई प्रेफर नहीं करता है, हर किसी के पास वो स्किल्स नहीं होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो यूज़ कर सकें। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन भी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी जो औरतें ख़वातीन हैं वो ढूंढ रही होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ के कोई अच्छी सी जॉब उन्हें मिल जाए। तो मैं बेसिकली आज जो आपके साथ कंपनी शेयर कर रही हूँ वो पाकिस्तान की आउटसोर्सिंग कंपनी, बेसिकली जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लिए आउटसोर्सिंग करती है, उनके लिए लोगों को हायर करती है। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू हैव डन योर इंटरमीडिएट ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया हुआ है, और आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं या यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें एज सच नीडेड नहीं होता। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो ये लोग आपको ट्रेन कर देते हैं। लड़कियों के लिए अच्छी खबर ये है कि एक तो आपको मॉर्निंग जॉब मिलती है 9 to 5 की, और आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये लोग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको लगता है अगर आप दूर से आते हैं और आप मैनेज नहीं कर सकते तो। ठीक है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे गूगल सर्च बार में आईबेक्स फाइंड करना है, आईबेक्स लिखना है, उसके बाद आईबेक्स पाकिस्तान में जाना है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी इनके पास वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इनके पास 12 करंट ओपनिंग्स हैं अभी इस वक्त। करंट ओपनिंग्स का मतलब है कि ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवेलेबल है? डोमेस्टिक टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, डोमेस्टिक टेली सेल्स में आपके लिए इंग्लिश इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती तो वेल एंड गुड, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो मेरे ख्याल से जो ब्रांड्स आपके लोकली काम कर रहे होते हैं वो उर्दू में भी आपको प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनबाउंड इंटरनेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जितने भी ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं, दे ऑल रिक्वायर इंग्लिश। ओके, फिर आपके पास इनबाउंड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल एसोसिएट रिसर्चर है, ईमेल एंड चैट सपोर्ट स्पेशलिस्ट है। मुझे आजकल चैट और गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। ओके, टीम कोच है एंड देन कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट एचआर है। ठीक है, आपके पास ये और बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव जस्ट श्योर अबाउट 6 or 9। ठीक है, 3 और हैं, वो भी देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं। PHP एंड WordPress डेवलपर है, सीनियर कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट है और सीनियर कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा, देखें यहाँ पे ना आपको एक दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल, एक तो ये कि यहाँ आपको सिटी मेंशन है, ठीक है, और दूसरा ये कि वैकेंसी के लिए अवेलेबल डेट कौन सी है या कितने दिन हो गए रहते हैं अभी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 18 डेज लेफ्ट हैं। आज है हमारे पास 13/10/2022, ठीक है, 13 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो अभी आपके पास 18 दिन हैं। आप अगर डोमेस्टिक टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव, डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, ठीक है, अगर आपके पास इस जॉब को अवेल करने के लिए टाइम है तो वो है 18 डेज। ठीक है, विद इन 18 डेज आप अप्लाई करके आज अप्लाई कर लें, क्योंकि आफ्टर 18 डेज ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, कराची वालों के लिए है, ये भी सिर्फ कराची वालों के लिए है। कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल बेसिकली जो है वो कराची और इस्लामाबाद के लिए। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कितने दिन रह गए हैं और कौन से सिटी में है, अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं इन सब में, इन दोनों में 1 डे लेफ्ट है, बस कल का दिन है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक को देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, ईमेल एंड चैट सपोर्ट स्पेशलिस्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं फ़ौरन यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकती हूँ। अदर देन दैट मेरे पास पूरा जॉब का ओवरव्यू है, ठीक है, किन लोगों को ये ढूंढ रहे हैं,
सही है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है, ये भी लिखी हुई है। उसके अलावा इन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि आपको क्यों इसको ज्वाइन करना चाहिए। दैन व्हाट मेक्स यू अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो आपको बताता है कि आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। यू बी अ सेवी कम्युनिकेटर एंड समवन हु इज़ एजाइल इनफ टू सेटल इन अ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। अच्छा, बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए जो उनके इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाए। इफ़ यू आर नॉडिंग योर हेड सो फार देन यू आर परफेक्ट फिट फॉर दिस जॉब। वी आर द एक्सपीरियंस यू क्रेव व्हेन यू इमेजिन द वर्ल्ड ऑफ सीएक्स। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल इस जॉब के लिए आपको लगता है कि येस यू आर अ गुड फिट फॉर दैट, तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। सही है, यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स देखें, इस तरह लिखी हुई, ओ लेवल्स मैट्रिक और अबव, अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो इट्स गुड फॉर यू। रिटन और वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है चैट पे या ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करेंगे। मस्ट हैव एटलीस्ट 40 WBM वर्ड पर मिनट, बेसिकली ये आपकी स्पीड कीबोर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी विद MS ऑफिस, ठीक है, MS Excel और MS Word पे आपको जो है वो उबूर हासिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेसिक भी आपको आती हो तो इट्स ऑल गुड, क्योंकि जो है आपको ये लोग ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पर्क्स देख लें, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मेडिकल इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड है, लीव इनकैशमेंट है, एनुअल लीव्स हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, 2 days ऑफ है सैटरडे संडे इनका, और फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। रेफरल अवार्ड्स हैं, अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं और आपके थ्रू कोई लगता है तो उस पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको। एनुअल इंक्रीमेंट इनका लगता रहता है, ठीक है। कन्वेंस फैसिलिटी है, जो आपको अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी है, और एम्प्लॉय अप्रिसिएशन प्रोग्राम है कि एम्प्लॉय को अप्रिशिएट, ठीक है। तो एम्प्लॉय अप्रिसिएशन प्रोग्राम बेसिकली जो भी इनका जो एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको रिवॉर्ड्स देते हैं ये लोग। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसीज इनके पास 20 हैं, वर्किंग आवर 9 है, जो आपके 9 to 5 हैं, कराची और लाहौर, बेसिकली ये लोकेशन अवेलेबल है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और रोटेशनल है, मतलब आप सुबह के शिफ्ट भी ले सकते हैं और रात की भी ले सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ गर्ल तो ऑब्वियसली आप सुबह की शिफ्ट लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, एज, आपकी क्या एजुकेशन है, मेल या फीमेल, CNIC नंबर, लैंग्वेज आपकी कौन सी है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, करंट एम्प्लॉय अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो, और कॉन्टैक्ट नंबर है, लोकेशन आपकी कौन सी है, लास्ट जॉब टाइटल, उसके अलावा आपने इस जॉब के बारे में कैसे सुना, ठीक है, YouTube से सुना, Facebook से सुना, जिससे भी सुना आप जो है वो उसको बता सकते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और रिज्यूमे अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अप्लाई नाउ करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स है वहाँ फॉरवर्ड हो जाएंगी। विद इन अ 3 days जो है वो आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर आप वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं, बेसिकली आपको मैसेज आता है, तो आपको मैसेज आ जाएगा। आप मैसेज पे जो भी उन्होंने बताया हो, जहाँ आपको आना है अकॉर्डिंग टू योर सिटी, कराची में इनका जो बेसिकली ऑफिस है वो शारा फैसल पर है, ठीक है, तो आप वहाँ पहुँच जाइएगा अपनी CV लेकर और CNIC लेकर, और वो आपको डील कर देंगे, ठीक है। इफ दे थिंक यू आर बेटर फिट तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको बताएंगे कि कब तक जो है वो नेक्स्ट राउंड उनका होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यंग टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये लोग, तो अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है और आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें आपको पे रेट आपका ज़्यादा हो, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल शेयर मोर अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। इसके अलावा जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स मैं आपसे हर शेयर कर सकूँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। आपको कुछ पूछना हो, कोई आइडिया, कोई सजेशन, कोई क्यूरी, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल देन, टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।